फटाफट बैठते हैं फिर निकलते हैं कहीं पे। तीनों मतलब अकेले पहली बार जा रहे हैं ऐसे अपनी। मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू। वहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक था। Hey guys, welcome back to a new vlog, और ये vlog hashtag 2 है। और अभी जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि अभी एक व्लॉग खत्म किया इसी लोकेशन से, और इसी लोकेशन से मैंने सेकंड व्लॉग अपने स्टार्ट किया है। तो फिलहाल अभी ऐसा है कि दीदी ने बनाया है एक इटालियन नाश्ता, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या बनाया दीदी ने। देखो ये कैसे बैठे हुए हैं, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए? ये देखो ये नॉर्मल सैंडविच लग रहा होगा आप लोगों को, पर ये इटालियन सैंडविच है। कैसे इटालियन सैंडविच? इटालियन ही हंकर्ड सैंडविच। कौन सा? हंकर्ड। एज ए चाय लवर अगर आप कुछ भी स्नैक खा रहे हो तो आपको चाय पीना कंपलसरी है, इसलिए मैंने अपने लिए और दीदी के लिए चाय बना ली। मम्मी से लड़ाई हो गई तो मम्मी के लिए नहीं बनाई है। सो गाइस, अभी जस्ट मैंने अपना चैलेंज का पहला वीडियो डाल दिया है, या एपिसोड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो अभी का स्किन कुछ ऐसा है कि नहाए तो नहीं है, बट अभी कुछ काम करने जा रहे हैं, ठीक है, मुझे और प्रशांत को। बेसिकली काम क्या है कि प्रशांत का डीजल के लिए कुछ है, तो प्रशांत भी आ चुका है और हमने जो ड्राइविंग लाइसेंस करना था वो सारा कर दिया अप्लाई प्रशांत का। बाकी गाड़ी भी हमने यहीं पार्क कर दी है, अभी जाएंगे थोड़ा सा फ्रेश होंगे उसके बाद कहीं चलते हैं, मैं दीदी और प्रशांत हम तीनों। सो गाइज, मैं और दीदी तो रेडी हो चुके हैं, और वो देखो प्रशांत बिल्कुल रेडी नहीं है, वो वहाँ बैठा है। अब ये रेडी होते तब तक मैं थोड़ा सा गाड़ी को साफ़ कर लेता, बिकॉज बहुत दिनों बाद हम निकाल रहे हैं। तो प्लान में थोड़ा सा हेयर बदल हुआ है कि पहले हम मम्मी को ले जा रहे थे, पर मम्मी बोल रही मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी अपना तैयारी यार होगी, कल मम्मी का बर्थडे है तो हम सीज़र को भी ले जाएंगे, मैं दीदी प्रशांत और सीज़र। मम्मी ने कह दिया है कि ये जो मैंने शर्ट डाली है ये देखो, ये मेरा ये ओटीडी था, मम्मी ने बोली ये शर्ट चेंज करो बिकॉज अच्छी नहीं लग रही है, तो मम्मी का कहना मानते हैं और टी शर्ट डाल लेते हैं। तो गाइस कपड़े चेंज कर लिए हैं, टी शर्ट डाल ली है ब्लैक कलर की। मेरा फोन दे दो। वहीं पर रखा है मेरा फोन। सीज़र को लेके आना। तो आ गया हूँ और ये लोग भी आ गए, देखो सीज़र दीदी भी आ गए। फटाफट बैठते हैं फिर निकलते हैं कहीं पे, अभी पता नहीं कहाँ जाना है, प्लान तो कुछ ऐसा है नहीं खास, पर देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। तो कहाँ चले? जहाँ चले चलो। कहाँ बैठे? कहाँ चले बताओ सीजर, कहाँ चलना है? कहीं भी चलो, मजा आएगा बस घूमने। हेलो गाइस, जैसे को पता हम लोग ब्रेकफास्ट शाम को स्नैक्स लेने बाहर जा रहे थे, तो ये भैया गाड़ी चला रहा है। ये अब पीछे देखिए एक चरस हो रहा है। इन भाई साहब सीट खाली है चार लोगों की, पर नहीं बैठना तो बोल रही है। अरे इनके चक्कर में भाई साहब ना एसी नहीं चला पा रहे हैं कि इनको विंडो ओपन चाहिए, और जिस साइड विंडो ओपन है उस साइड जा भी नहीं रहे हैं। ये देखिए विंडो की किधर ओपन है? इस तरफ ओपन है। तुम वाली साइड? मैं सब बंद है, बैठूंगा तो ऐसे ही बैठूंगा। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत मजा आ रहा है आज पहली बार, मैं हम तीनों मतलब अकेले पहली बार जा रहे हैं गाड़ी में, तो एक्सपीरियंस ही पहली बार ही है कि मैं दीदी लोगों को बैठा करके चला रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत बार गाड़ी चलाई है बट दीदी लोग के साथ नहीं चलाई है। दीदी और प्रशांत ने तो बहुत बार चलाई है पर दीदी के साथ नहीं चलाई है। मज़ा आ रहा है, नॉर्थ कैंपस में पहली बार गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं नॉर्थ कैंपस में गाड़ी चलाया था। हम लोग घूमेंगे वहाँ से, इधर भी घूमेगा। तो मैं और सीजर तो पहुंच गए हैं बट दीदी और प्रशांत अभी नहीं आए हैं, तो हम दोनों सीजर का वेट करेंगे। देखो वो लोग आ गए। ये देखो ये अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है, वो वहाँ से वो अपनी शॉप की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो मैंने लिया अपने लिए एक साहब का चॉको चिप्स जो कि मेरा और प्रशांत का फेवरेट है, बाकी दीदी ने अपने लिए मोमोज लिया है फ्राइड, और ये बर्गर भी लिया हमने मम्मी के लिए पैक करवा लिया। मैंने अपने लिए मैक। तो चलो फटाफट खाते हैं फिर चलते हैं घर। सीज़र को वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था तो हम लोग कार में ही आ गए, और अब सीज़र को अंदर बैठाएंगे और कार ही वहीं पे लेके चलेंगे दीदी के पास। गाइस हमने खावा भी लिया, अब चलते हैं घर, पहले दीदी को ड्रॉप करेंगे घर पे फिर गाड़ी पार्क में करेंगे। तो गाइस फाइनली दीदी लोग को तो छोड़ दिया, दीदी लोग घर जा रही हैं, और अब मैं और प्रशांत जाएंगे गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद घर चलेंगे, पहले पार्क करना है।
तो भाई सब लोग आधी रात में उठ गए हैं, क्यों उठे हैं, क्यों उठे हैं बताइए। मम्मी का आधी रात में जन्मदिन है। क्या हो? Happy birthday. कूलर नहीं हट पा रहा है मम्मी। Happy birthday to you, mummy. So guys, आपने कल देखा कि हम सीजर को लेके कमलानगर गए थे और वहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक था। लाइक वाह रिएक्शन था, सब बहुत लोग प्यार भी कर रहे थे, बहुत डर भी रहे थे। जो डर रहे थे सब वो दूर देख रहे थे, अच्छा नहीं लगता ना कि हम जानते हैं कि किसी को काट नहीं सकता, बाकी लोगों को लगता है काट लेगा, ये कर लेगा वगैरह। चलिए तो बात की है, बाकी आज है मम्मी का बर्थडे, तो आज कैसे हम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो आप अगले वीडियो में देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।